दिन हमें पता लगा कि हमारे भारत में सनातन धर्म की वार्ता करने वाले कुछ लोगों को, जैसे सुधांशु जी जैसे महापुरुषों को छोड़कर, कुछ महापुरुष संतों को छोड़कर, बाकी किसी को ये पता ही नहीं है सनातन है क्या, कहे जा रहे सनातन सनातन, सनातन के अंग क्या है, सनातन के लक्षण क्या है, सनातन का सिद्धांत क्या है, सनातन कहते किसे हैं, और सनातन की तुलना हम मजहबों से कर रहे हैं तो कितनी उचित है और कितनी अनुचित है, और सनातन का उद्देश्य क्या है, सनातन का मूल क्या है, सनातन का तत्व क्या है, मिठाई तो है पर मिठाई के मिठास का गुण क्या है, और किसी को पता है सनातनी होने के 5 लक्षण हमने इस पुस्तक में गुरु कृपा से, हमने नहीं लिखे, हनुमान जी ने प्रेरणा की, गुरुदेव भगवान ने सद्बुद्धि दी, पुस्तक आपको उस तक पहुंचाएगी, ये हमें अपने सनातन धर्म पर और बागेश्वर धाम पर भरोसा है।